गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तैयार हैं वापस कूलॉम लॉ की प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए। जैसा कि आप सजेशन दे रहे थे, वीडियो दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम में रहें चाहे हिंदी मीडियम में रहें, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो आप चाहे कॉम्पिटिशन जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, एम्स देख रहे हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, कूलॉम के नियम पर आधारित प्रश्न, और स्टार्टिंग में कूलॉम्स लॉ से ही कर रहा हूं वापस। तो ये कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं Q1 एंड Q2। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर, इन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है आर। हम इन वैक्यूम और ने इन वैक्यूम और एयर, निर्वात अथवा वायु के लिए यदि फॉर्मूला लिखना है तो जैसा कि हम लिखते हैं 1/4πε₀Q1Q2/RS2। जब हमें जरूरत पड़ती है मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो, तो यहां पे एक जो डाउट हो जाता है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान देते रहिए इन मीडियम माध्यम में। तो माध्यम का मतलब क्या है? ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। इट मींस मीडियम का है कंप्लीट सिस्टम डिप इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका मीनिंग ये होता है। पूरा का पूरा चार्ज सिस्टम किसके अंदर है? परावैद्युत माध्यम में, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कोई एप्सिलॉन आर सपोज कर रहे हैं, डिस्टेंस वही आर ले रहे हैं। ये कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इस केस में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो कूलॉम्स लॉ लिखेंगे 1/4πε₀ × ε₀ इंटू Q1Q2/RS2। तो यहां एक चीज नोट करेंगे, देखो इसमें हमारे पास 1/4πε₀ ये भी है। यहां मैं इसको समझाना चाह रहा हूं कि देखो क्या चेंज हुआ, यहां डिस्टेंस आर स्क्वायर ले रहे हैं, यहां पे आप इस टर्म को देखिए 1/4πε₀ को रहने दीजिए, इससे कंपेयर कर रहा हूं। इट मींस आर इफेक्टिव जो मुझे लेना था आर स्क्वायर, वहां पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, इट मींस आर इफेक्टिव हो गया आर इंटू रूट एप्सिलॉन आर। समझ रहे हैं आर इफेक्टिव? कि अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिप करने के बाद चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जो इफेक्टिव डिस्टेंस आर स्क्वायर लिखना था वहां लिखा मैंने एप्सिलॉन आर टू आर स्क्वायर, इट मींस आर इफेक्टिव इक्वल टू आर रूट एप्सिलॉन आर। इसी को हम देखो आगे इन मीडियम, मीडियम जब पार्शियली फिल है, मैं यहां पे बना रहा हूं, आप देखते रहिए कि यहां पे Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 पॉइंट चार्ज है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है पार्शियली फिल है, परावैद्युत माध्यम है आंशिक रूप से भरा हुआ, कंप्लीट डिस्टेंस आर थी, लेकिन हमने देखा कि एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है सिर्फ कुछ डिस्टेंस में ही रखा हुआ, इट मींस टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज यहां पे थी आर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस ले ली, डिस्टेंस ले ली, वो है टी। रिमेनिंग डिस्टेंस यहां पे आप देख रहे होंगे ये हो गया आर माइनस टी, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अब दिमाग में आता है आर माइनस टी प्लस टी टोटल इक्वल टू आर, नो। अभी हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिस्टेंस क्या हो जाती है? आर रूट आर। तो आप ध्यान रखेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस क्या लिखूंगा? टी
root epsilon r, or remaining distance r minus t. It means effective distance between the charges is r minus t plus medium ke liye kya lenge t under root epsilon r. This is the point. अब जब डायलैक्ट्रिक मीडियम तो इट मीन्स मीडियम होते ही हमेशा ऐसा नहीं ले सकते. पार्शियली फिल है तो आर इफेक्टिव क्या लेंगे, आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर, जहां हमें आर स्क्वायर लेना है ये डिस्टेंस लेंगे. क्लियर? तो अब हम प्रॉब्लम्स शुरू कर सकते हैं. आप समझ गए होंगे और अब हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके. देखो अभी इसके इसी डायलैक्ट्रिक मीडियम पर क्वेश्चन में आप पूछ रहा हूं आपसे. टू पॉइंट चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर इन एयर. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस एफ, दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी आर है. वायु में इनके मध्य लगने वाला बल एफ है. क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए डायलैक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant epsilon r remains same, यानी equal to air. क्वेश्चन समझ गए होंगे. जब चार्जेस को एयर में रख रहे हैं, वायु में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ. क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनको किसी परावैद्युत माध्यम में जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है किस दूरी पर रखा जाए ताकि बल का मान वही प्राप्त हो. इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेन्स सेम एज इक्वल टू एयर. तो देखो की पॉइंट अपने को यही दे दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम. इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर जैसा हमने पढ़ा 1/4πε0Q1Q2/r2, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 क्या ऐड कर दिया एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू. एट व्हाट डिस्टेंस किस दूरी पर डिस्टेंस आर डैस स्क्वायर. समझ गए होंगे 1/4πε0 क्यू वन और क्यू टू, यहां हमारे पास रहा आर स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन आर डैस स्क्वायर. क्या फाइंड करना है हमें, एट व्हाट डिस्टेंस किस दूरी पर आर डैस फाइंड करना है. जैसा कि आप देख रहे हैं आर डैस इक्वल टू आर अपॉन क्या बच गया रूट एप्सिलॉन आर. दिस इज द किस दूरी पर रखेंगे आर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर डिस्टेंस पर. तो की पॉइंट हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंट क्वेश्चन में ही छुपा रहता है. जैसा कि इसमें दिया कि फोर्स एयर में और मीडियम में सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर इक्वल टू मीडियम. क्लियर? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. मैं वही प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूं. इन जनरल जो स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ना देके मैं आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दूंगा. आप बहुत ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्ट पकड़े आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. दिस इज ए चार्ज कंडक्टर रोड
चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन होल कंडक्टर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर टोटल चार्ज इज क्यू और लेंथ ले रहे हैं एल। एक आवेशित छड़ है जिस पर कुल आवेश क्यू है, समान रूप से फैला हुआ है, छड़ की लंबाई है एल। क्वेश्चन है छड़ से किसी डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट ए डिस्टेंस डी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन कंडक्टर रोड एंड ए पॉइंट चार्ज। हमें छड़ और बिंदु आवेश के मध्य विद्युत बल ज्ञात करना है। तो अब बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चे तुरंत के क्यू क्यू अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, कूलम्स लॉ वापस याद करेंगे। कूलम्स लॉ इज गिवन ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कैसे करेंगे, सपोज ए स्मॉल पार्ट जिस पर हम क्या चार्ज कर लेंगे डी क्यू, इस पर हमने चार्ज सपोज कर लिया डी क्यू, इसका लेंथ लिया डी एक्स और इससे लेंथ हमने सपोज कर लिया एक्स। डी क्यू बिहेव लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। अब आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फोर्स डी एफ इक्वल टू के क्यू वन इट मीन्स डी क्यू, क्यू टू इट मीन्स क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, टोटल चार्ज इज क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ एल और डी एक्स लेंथ में कितना होगा। चार्ज डी क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं कि क्यू क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ईडी। टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल जो कॉन्स्टेंट है इसको ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट क्या लगाएंगे, यहां सावधान हो जाइए, लिमिट पॉइंट चार्ज से रोड के फर्स्ट एंड की डिस्टेंस क्या है डी, डी से स्टार्ट एंड लास्ट एंड की डिस्टेंस कितनी होगी डी प्लस एल, गुड डी प्लस एल, अपर लिमिट होगी डी प्लस एल और वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जैसे आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट मैं एज इट लिख रहा हूं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकलन हो गया माइनस वन अपॉन एक्स और ये हो गई लिमिट डी टू डी प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट ले लीजिए एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल और वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन डी प्लस एल। सोल्व कर दीजिए एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल डी इंटू डी प्लस एल, डी प्लस एल माइनस डी, डी से डी जैसा कैंसिल हो रहा है, ऊपर एक एल रहेगा ये नीचे एल से कैंसिल हो जाएगा, एफ इक्वल टू हमारे पास बचा के क्यू क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, दिस इज द रिजल्ट। तो इट मीन्स कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कि पॉइंट चार्ज लेके आगे सॉल्यूशन, गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाएंगी वो हम ले रहे हैं और नेक्स्ट है कि बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत सारे बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये कोई रेज्ड बेस है जहां से स्ट्रिंग से एल लंबाई की स्ट्रिंग है जिस पर चार्ज बॉल को लटकाया गया है, बहुत हा सिमिलर चार्ज, डिस्टेंस इज एल, इन इक्विलिब्रियम पोजिशन डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स इज एक्स, साम्यावस्था में दोनों गेंद के बीच की दूरी क्या मान रहे हैं
एक्स, तो हमें पूछ रहा है इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम एक्स विल बी, साम्य अवस्था में एक्स का मान क्या होगा। तो यहां देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अपन कहीं भी चाहे चार्ज बॉडी रहे चाहे अनचार्ज बॉडी रहे, वेट ऑफ बॉडी ऑलवेज डाउनवर्ड। यहां अगेन एक पे अप्लाई कर देंगे mg, सपोज यहां वर्टिकल के साथ जिस पोजिशन पर है, अगेन ये एंगल हमने ले लिया थीटा, स्ट्रिंग जहां से जुड़ी हुई है टेंशन फोर्स t, mg को बैलेंस करने के लिए देखो कंपोनेंट्स लेंगे, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया t, इट मीन्स यहां पे हो गया t cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ t sin थीटा। t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और यहां पे q और q के बीच में जो रिपल्सन फोर्स f इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लग रहा है, ये बैलेंस बाय t sin थीटा। ये चीजें आपके आगे mg t, t cos थीटा, t sin थीटा, तो सॉल्व हो गया। यहां से देखिए t sin थीटा बैलेंस बाय के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, टी कोस थीटा बैलेंस बाय एम जी, देखो हमें टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा ले, टी कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास रह गया के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू होगी, यहां से आप टेन थीटा ट्राई करेंगे, देखो टोटल एक्स तो बोथ साइड में एक्स वाई टू और एक्स वाई टू, लेकिन टेन थीटा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमें इन जनरल क्वेश्चन में कंडीशन होती है इफ थीटा इज स्मॉल देन टेन थीटा इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इट मीन्स हम इसको ये ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स के लिए, और साइन थीटा इक्वल टू आप देखेंगे एक्स अपॉन टू एल, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब अपॉन आधा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आई, देखो ये यहाँ पुट कर रहा हूं मैं एक्स अपॉन टू एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, हमें x फाइंड करना था x एंड x x क्यूब, और ये हो गया 2k q स्क्वायर l अपॉन mg। ओके x क्यूब इक्वल टू हो गया 2k q स्क्वायर l अपॉन mg, k की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 है तो हमारे पास बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां देखिए x इक्वल टू अपने पास रहा q स्क्वायर l अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और एक्स क्यूब तो हम ले लेंगे इधर वन था, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये एक इस पैटर्न के क्वेश्चंस का की पॉइंट हो गया, इन जनरल बहुत सारी बार एग्जाम्स में पूछा गया। मैं देखो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक नीट 2013 में पूछा था, वो डिस्कस कर रहा हूं। इस तरह था क्वेश्चन, क्वेश्चन में सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा, दो डोरियों से एम मास की बॉल है जिन पर चार्ज है क्यू, इक्विलिब्रियम पोजिशन में जो वर्टिकल हाइट है ये है वाई और डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स है आर, संतुलन अवस्था में दोनों गेंद के बीच की दूरी होगी आर। क्वेश्चन में क्या मॉडिफाई किया, इस सिस्टम में यदि डोरियों को वाई बाई टू हाइट से यहां पे टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, रिमेनिंग हाइट देखो अपने पास क्या रहेगी, ये वर्टिकल हाइट वाई बाई टू, गेंद एज इट इज है, चार्ज एज इट इज है, लेकिन हाइट चेंज होगी।
क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था नीट में, वो पूछा नाउ आर डैश विल बी, बीच में से यहाँ भांग दिया, यानी डिस्टेंस कितनी बच गई, वाई वाई टू, आर क्या होगा? तो देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से, क्योंकि कंपटीशन है, एक टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, यहां से हमने वापस शुरू नहीं करना है। हमने देखा कि जब ये आर डिस्टेंस गिवन है, आर डिस्टेंस गिवन है, यहां से बांधने से मास चेंज होगा नहीं, चार्ज चेंज होगा नहीं, फिर चेंज क्या हुआ, सिर्फ हाइट चेंज हुई। तो देखो यहां पर जो एक रिलेशन मिला हमारे को एक्स में, देखो क्यू टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी सब कॉन्स्टेंट है, एल जो कि यहां पे हमें क्या दी हुई है, वाई बाई टू, सिर्फ ये। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया कि आर जो है प्रोपोर्शनल टू किसके है, वाई के, लेंथ के, बाकी सभी चीजें कॉन्स्टेंट हैं। तो हम किस लिए टाइम करेंगे, जो हमारे पास ये रिलेशन हो गया, और पावर कितना है इसका, वन थर्ड। तो देखो आर अपॉन आर डैश, जब आर डिस्टेंस थी तब हाइट थी, वाई आर डिस्टेंस है तब हाइट होगी, वाई बाई टू और पावर है वन थर्ड। तो ये देखो एक सेकेंड में अपने हमारे पास रिलेशन आ गया, इट मीन्स आर डैश इक्वल टू क्या बचा भाई, आर अपॉन टू, पावर कितना हो गया, वन बाई थर्ड। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, समझ गए, वाई से वाई कैंसिल हो गया, टू पर आ गया, आर डैश लेंगे तो आर बाई टू की पावर कितना हो गया, वन थर्ड। तो ये पैटर्न हमने सीखा, तो इसमें चूज कर लिया हमने कि ये सब चीजें कांस्टेंट है, रिलेशन सिर्फ एक्स और एल में लेना है, यहाँ पे आर और वाई में लेना है। तो यहां से हमने एक्स प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब, बस सिंपल सा तरीका, छोटा सा तरीका अपनाया और क्वेश्चन चला गया करेक्ट। देखो एक और पैटर्न डिस्कस करेंगे, ये जैसा कि आप समझ चुके हैं, एक और क्वेश्चन मैं जेई के लिए खासकर बताना चाहूंगा इसको, ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और आपके समझ में आएगा अच्छे से आप देखेंगे। देखो एक्स एंड वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसमें यहां पे किसी डिस्टेंस ए पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इधर माइनस ए डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, दोनों चार्ज फिक्स है। यहां पे एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है माइनस क्यू, इनिशियली एट ए डिस्टेंस टू ए। क्वेश्चंस मोर देन वन में या किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस आवेशित कण की गति के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट समझ लिए अच्छे से, दो पॉइंट चार्ज रखे हैं वाई एक्सिस पर, ये फिक्स है, माइनस क्यू जो चार्ज पार्टिकल है, एम मास ले सकते हैं इसका, ये इनिशियली यहां पे छोड़ा गया टू ए डिस्टेंस पर, लेकिन आप समझ रहे हो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे प्लस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्सेस टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु की ओर बल लगेगा। तो हम मान लेते हैं किसी समय जो हम स्टडी कर रहे हैं ये चार्ज किसी डिस्टेंस एक्स पर है, और जब ये एक्स पर है तो इसमें हम देखो ये फोर्स लग रहा है, इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ले लिया हमने एफ, ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट्स लेंगे, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये थीटा है तो इधर वापस देखो ये एफ और ये एफ साइन थीटा, इसके लिए ये एफ कॉस थीटा, तो ये एफ साइन थीटा, तो ये देखो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कैंसिल हो गए, इक्वल और अपोजिट। रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, मूल बिंदु की ओर कितना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बना कि रिजल्टेंट फोर्स, क्या आंसर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट, परिणामी बल
कितना लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स 2F cos theta, डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। पहला क्वेश्चन तो यही कि रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड क्वेश्चन पे इसकी मोशन किस तरह से होगी, लीनियर मोशन होगी। तो आप देखो चेक करें, यहां फोर्स लग रहा है ओरिजिन पर आया। कुछ बच्चे तुरंत में से कहते हैं सर यहां पे आते हैं क्या होगा बच्चों, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो मूल बिंदु पर आकर रुक जाएगा, गलती होगी। फोर्स जीरो हो गया इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब v कांस्टेंट हो गया, चाल नियत होगी। तो जैसे ही आएगा ये नियत चाल से इधर बढ़ेगा, जैसे ही यहाँ पे आया आप देख सकते हो, देखो ये फिर से प्लस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट, फिर से मूल बिंदु की ओर फोर्स लगेगा। तो देखो ये यहाँ पे आएगा, आगे निकल गया, फिर आ गया। तो अब एक बात समझ में आ रही होगी, मोशन कैसी है, ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे लिखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी आवेशित कण की गति कैसी रहेगी, दोलन गति रहेगी, ऑसिलेटरी रहेगी। अब क्वेश्चन बनता है कि ये SHM है या SHM नहीं है, साथ में ऑप्शन दिया जा सकता है, दोलन गति तो है, SHM है या नहीं है। SHM की कंडीशन चेक करेंगे, अभी हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे पहले, फिर आपको समझाएंगे कि SHM है या नहीं है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है वो हमने नोट किया 2F cos theta। देखो F किन के बीच में, माइनस Q और प्लस Q, ये डिस्टेंस कितना है x, ये कितना a, देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो 2F k Q Q अपॉन r स्क्वायर, रखो इसको अंडर रूट हटाओ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा बेस अपॉन हाइपरटेंसिव आधार बटा कर्ण x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं। देखो यहां पे जो अपने पास 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, करेक्ट 3/2, ये एज इट इज लिख रहा हूं के क्यू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर हो गया 3/2, ये रिजल्टेंट फोर्स। और देखो ये माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तो नेचर कैसी है, अट्रैक्शन। ये फोर्स जब आप रिजल्टेंट फोर्स पूछा तो हम ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एफ डैश डायरेक्टली नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इट मीन्स लीनियर रिलेशन नहीं है, नॉट लीनियर, रेखीय संबंध नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मौसम कैसी है, ऑसिलेटरी है, दोलन गति है, यदि ये दिया हुआ। यदि हमसे एम्पलीट्यूड पूछते हैं, आयाम पूछते हैं, तो आयाम क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल कहां छोड़ा था 2a डिस्टेंस पर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो पार्टिकल का आयाम आंसर देंगे 2a, जहां प्रारंभ में छोड़ा था। अब इसमें एक और ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन में हमें कहीं ये दिया हुआ है कि x इज वेरी स्मॉल, x बहुत कम है, तो फिर हम एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नगण्य मान सकते हैं। और एक्स स्क्वायर को जब नगण्य मान लेते हैं तो फिर देखो हमारे पास रिलेशन बचा एफ डैश के क्यू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू 3/2 करेंगे तो ये हो गया ए क्यूब, और एट्रैक्शन फोर्स है एफ डैश इक्वल टू माइनस क्यू क्यू एक्स, के का वैल्यू लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब,
यहां से देखेंगे, देखो ये अब सभी वैल्यू कैसी हैं, क्यू क्यू फॉर एप्सिलॉन कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियर एस एच एम। तो यहाँ पे मोशन कैसी होगी, एस एच एम होगी, दोलन गति के साथ सरलावर्त गति भी होगी। तो अब समझ में आ गई बात कि यदि ये कंडीशन है दोलन गति है लेकिन एक्स स्मॉल है तो रिलेशन आ गया हमारे पास, ये इट मीन्स क्या है, ये एस एच एम भी है दोलन के साथ सरलावर्त गति भी है। अब सरलावर्त गति है तो इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, आवर्त काल क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी। जैसे जब अपने पास ये आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो आवर्त काल की बात करें तो यहाँ देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये सब कांस्टेंट मिल रहा है, f इक्वल टू क्या लिखेंगे kx। तो देखो k से कंपेयर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कांस्टेंट हमें क्या मिला, इसको मिटा देता हूं अभी, देखो यहां से हमें कांस्टेंट मिला है k, और इट मीन्स k इक्वल टू मिला q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, एक्स को छोड़ दिया, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। और जैसा कि आवर्त काल हमसे पूछा है टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या फॉर्मूला रहेगा, एम बाई के, एम यहाँ पे मास ऑफ चार्ज पार्टिकल आवेशित कण का द्रव्यमान है, के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, और देखो के की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, के की वैल्यू है क्यू इंटू क्यू अपॉन, ये ऊपर लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये है ही ए क्यूब भी ऊपर चला गया। तो देखो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया ये हो गया आवर्त काल टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का आप सब जानते ही हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी सोल्व करनी है, सिंपली 1/T, इसको उल्टा करके लिख दें, आप चाहो तो 4 है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर लेके 2 ले सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह की प्रॉब्लम थी, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, क्या आंसर हुआ, टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड 2a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, थर्ड किया मोशन कैसा होगा ऑसिलेटरी, फोर्थ क्वेश्चन किया रिजल्टेंट फोर्स 2f cos थीटा, जैसा कि हमने ये सोल्व करके निकाला के क्यू 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 एक्स अपॉन, और फिर हमने प्रूव किया कि ओनली ऑसिलेटरी है। देन हमने डिस्कस किया कि SHM कब होगा, यदि क्वेश्चन में गिवन है एक्स इज वेरी स्मॉल देन मोशन किस तरह का होगा, SHM सरलावर्त होगा, सरलावर्त होगा एफ इक्वल टू के एक्स, कॉन्स्टेंट आया, कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ गया, आवर्त काल और आवृत्ति। ये कॉन्सेप्ट देखा हमने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखो इसी में एक बार जेई मेन में क्वेश्चन आया, इन जनरल हमारे ये कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस प्लस माइनस ए ऑन एक्स एक्सिस एंड ए चार्ज पार्टिकल क्यू सेम नेचर का है जो कि इसी डिस्टेंस वाई एक्सिस पर रखा हुआ। क्वेश्चन था रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आवेशित कण क्यू पर परिणामी बल समानुपाती है, ऑप्शन दिए हुए थे वाई माइनस वाई, वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई, क्या चूज करेंगे, वो अभी तुरंत पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिस में भी रहता है प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, गलत हो गया। देखो यहाँ पे नेचर कैसी है, प्लस प्लस प्लस, आप देखोगे देखो ये कॉस एफ थीटा, ये थीटा एफ कॉस थीटा, एफ एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर हो गया एफ साइन थीटा, सेम इसी तरह से एफ थीटा एफ कोस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा, ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट फोर्स टू एफ कोस थीटा, और देखो क्या हो रहा है, रिपल्सन दूर जा रहा है,
वापस कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब हम 2f cos थीटा निकालते हैं तो आप समझ गए होंगे 2f cos थीटा जो किया था तो अब कैसा है, रिपल्सन फोर्स, इट मींस f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, अब y ना कि माइनस y, जैसा कि पढ़ा था। तो आंसर गलती से ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना, यदि यही चार्ज माइनस क्यों होता तो फोर्स अट्रैक्शन होता और हम आंसर क्या चूज करते हैं, माइनस वाई, ये जेई का। चलो एक टीनी सा क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। देखो ये कोई पॉइंट चार्ज लिया हमने क्यू, क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी मैक्सिमम। सपोज फर्स्ट पार्ट इज क्यू, रिमेनिंग पार्ट क्यू माइनस क्यू, आर प्लेस डिस्टेंस है। फॉर मैक्सिमम फोर्स ये पूछा, मैक्सिमम फोर्स रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू, अधिकतम बल के लिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होगा। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम फोर्स स्लोप जैसे लेते हैं यहां पे डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू डी क्यू शुड बी जीरो। इट मीन्स देखो डी अपॉन डी क्यू ले तो देखो क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर शुड बी जीरो। इट मीन्स देखो डिफरेंशिएशन करो स्मॉल क्यू के लिए, वन माइनस वन हट गया, क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू टू क्यू। तो यहाँ पे देखा आपने क्यू की जो वैल्यू आई अपने पास ये आ गई क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू। देखो यहाँ पे जब क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू आ तो क्यू माइनस क्यू बाई टू ये भी कितना बच गया, क्यू बाई टू। तो इट मीन्स इसको इक्वल डिवाइड करेंगे तो फोर्स कैसा रहेगा, मैक्सिमम। देखो वैसे भी मैं आपको एक बताऊं कि हमें Q1 into Q2, कूलम्स लॉ में है क्रॉस प्रोडक्ट, Q1 into Q2 प्रोडक्ट आना चाहिए इनका। देखो हमारे पास कोई चार्ज है 8 कूलम, मैक्सिमम कब होगा, मैं करूं देखो इसके दो पार्ट करूं 7 कूलम into 1 कूलम, या फिर क्या कर सकता हूं 6 into 2, 5 into 3, 4 into 4। देखो यहां पे क्या रिजल्ट है 7, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे क्या है 16। मैक्सिमम डिजिट देखो कौन सा है 16, कब आया जब 8 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 4 इंटू 4, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी डिजिट रहेगा देखो 4 इंटू 4 16, बाकी सब मिनिमम है। तो मैक्सिमम फोर्स चाहे तो अपन डिफरेंशिएशन मेथड से कर ले, और ट्रिक लिया हम इसको 4 इंटू 4 इट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्यों था तो क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू। देखो हमें एक चार्ज रिंग दिया, चार्ज रिंग पर प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, इस वाले पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, इसकी रेडियस ले लेते हैं आर। क्वेश्चन पूछ रहा है जब इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा जाए तो क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है इंक्रीज इन टेंशन। इसके तनाव में कितनी वृद्धि होगी, देखो इधर समझते हैं तनाव में वृद्धि क्यों, प्लस क्यू चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, देखो रिपल्सन फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कितना फोर्स लगेगा वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम क्या कर लेते हैं कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए कि स्मॉल पार्ट डीए ले लेते हैं और इस पर चार्ज क्या सपोज कर लेते हैं डी क्यू। देखो अब हमारे समझ में आ जाएगा इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा डी क्यू एंड क्यू में, उसको मैं लिख रहा हूं डी एफ रिपल्सन फोर्स, और ये इसकी होगी रेडियस, इस स्मॉल पार्ट हमने जो डीए लिया है इस पे चार्ज लिया है डी क्यू, ये होगी रेडियस, एंगल को सपोज कर लेते हैं क्या है थीटा। देखो अब जैसे ये रिपल्सन फोर्स लगेगा तो देखो ये जो पार्ट है फ्री नहीं है, ये तो कनेक्टेड है,
ये पार्टिकल इससे, ये पार्टिकल इससे, ये पार्टिकल इससे, इधर भी ऐसे, तो देखो इस पर फोर्स लग रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे एक टेंजेंशियल टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है टी। यहाँ देखो टेंजेंशियल फोर्स टी, तो इसके हम कंपोनेंट्स लें तो देखो ये ओरिजेंटल कंपोनेंट, ये हमारे पास देखो वर्टिकल के साथ थीटा ले लेते हैं, यहाँ थीटा लिया है तो थीटा बाय टू, और नहीं तो फिर थीटा ले लेते हैं, ये थीटा हो गया तो ये थीटा, देखो यहाँ हो गया टी कोस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा, इसके लिए देखो यहाँ हो गया टी कोस थीटा और यहाँ हो गया टी साइन थीटा, टू टी साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गया, देखो रिजल्टेंट फोर्स टू टी साइन थीटा इक्वल टू डी एफ इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम ले रहे हैं टू टी साइन थीटा इक्वल टू डी एफ, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड डी क्यू, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एंगल थीटा के लिए साइन थीटा को हम यूज कर सकते हैं थीटा, एंड डी क्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डी क्यू टोटल चार्ज है क्यू पर यूनिट लेंथ, अपने पास हो गया Q अपॉन टू पाई आर, चार्ज डेंसिटी दे तो हम क्या ले सकते हैं सिग्मा डी ए, और चार्ज दे तो हम देखो पर यूनिट लेंथ हो गया टू पाई आर, और डीएल लेंथ पर कितना होगा, और डीएल क्या है स्मॉल पार्ट जो आपने चूज किया यहाँ पे, ये किया हमने, ये थीटा लिया है तो ध्यान रखेंगे, देखो थीटा हमने ये लिया तो टोटल एंगल थीटा और थीटा कितना हो गया टू थीटा, ये डीएल, ये आर, एंगल इक्वल टू टू थीटा इक्वल टू एंगल आर्क अपॉन रेडियस चाप बटा त्रिज्या, डी एल इक्वल टू आर टू थीटा, देखो यहाँ पे डी क्यू के लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं क्यू अपॉन टू पाई आर आर, चाहो तो आप इसकी डी एल की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो क्या आर टू थीटा, देखो आर कैंसिल हो जाएगा और टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया क्यू अपॉन पाई इंटू थीटा, देखो वैल्यू पुट करो तो इसमें हमारे पास यहाँ था टू टी स्मॉल एंगल थीटा के क्यू डी क्यू की वैल्यू ये लिख रहा हूं मैं क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है इंटू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, टी इक्वल टू बचा हमारे पास के क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, k की वैल्यू रख दोगे तो t इक्वल टू हो गया q q अपॉन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, इट मींस एट पाई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, दिस इज द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। देखो थोड़ा सा यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, इफ y इज यंग्स मॉडुलस, ये क्वेश्चन में मैं और आगे दे दिया यंग्स मॉडुलस, यदि y यंग का प्रत्यास्थ गुणांक है तो चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग विल बी, यदि इसका प्रत्यास्थ गुणांक वाई हो तो इसकी त्रिज्या में परिवर्तन यानी त्रिज्या में वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो ये धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करेगा, यदि इस तरह से और पूछ ले तो नो प्रॉब्लम। देखो जैसा ये आपने इलेवंथ में डिस्कस हुआ होगा या पढ़ा होगा कि ये है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल फोर्स अपॉन फोर्स यहाँ पे टी ले रहे हैं अपॉन एरिया, प्रतिबल स्ट्रेन विकृति, देखो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ आर ऊपर ले लिया मैंने, हमें क्या फाइंड करना है, देखो रिलेशन अपने पास ही आ गया टी आर अपॉन ए इंटू डेल्टा आर, हमें फाइंड क्या करना है डेल्टा आर क्या आया वाई ए देखो अपॉन टी इंटू आर, और देखो टी का फॉर्मूला अपने पास ये है यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें इसकी रेडियस में कितनी इंक्रीज में हुआ, इसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई। तो देखो स्टूडेंट्स जो आपने देखा मैंने कोशिश की दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल हो, और ये थी टाइप प्रॉब्लम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भले ही कम करें लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन है उतने सारे टाइप आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप एग्जाम में
अच्छे से देख पाएंगे तो आप चैनल देखते रहिए वाइस शैल जोधपुर, राम नरेश यादव डायरेक्टर वाइस शैल, और इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, आपके पास जैसे ही नया वीडियो होगा आपके पास मैसेज आएगा, और सजेशन भी देते रहें आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है मुझे मैसेज देकर सजेशन दें, और नेक्स्ट मैं फिर से हाजिर होऊंगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। थैंक यू सो मच।